ना हम लोग को भी कहानी सुनाई करती है बच्चों की, आप बड़े लोग को ही सुनाते हैं। जय श्री गणेश। आज एक बाल मनुहार मेरे पास आई है, जिसका वीडियो आपने भी देखा, और यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वह मेरा दौहित्र ऋषि है। उसका नाम है ऋषि, और उसने यह कहा कि नाना, बड़े लोगों के लिए तो आप सुनाते हैं, लेकिन मुझको एक कहानी सुनाइए। तो आज का दिन इस छोटे बच्चे के लिए दे रहा हूँ। आज का वीडियो कहानी इस तरह से है कि एक बहुत घना जंगल था, उसमें बहुत तरह तरह के जानवर रहते थे, और उन्हीं जानवरों में कुछ सियार भी रहते थे। एक सियार एक दिन अपना शिकार कर रहा था और उसके पैर में थोड़ी चोट आ गई। चोट आ जाने पर वह इस लायक नहीं रहा कि अपना शिकार कर सके और कुछ बीमार सा हो गया। तो एक दिन एक हिरन के बच्चे को उसने दौड़ते हुए देखा और शिकार करने के लिए उसका पीछा किया, और पीछा करते करते वह जंगल में अपना रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने पर शिकार भी नहीं कर पाया और काफ़ी परेशान भी हो गया। अब वह अज्ञात दिशा में जाने लगा। जहाँ वह जा रहा था वहीं धोबियों की बस्ती थी, और रास्ता भटक कर वह उस बस्ती में चला गया। जब उस बस्ती में जा रहा था तो देखा 5-6 कुत्ते जो हैं उस तरफ दौड़े जा रहे हैं, और उससे वह बेतहाशा एकदम डर गया कि 5-6 कुत्ते जो हैं वे लड़ाई झगड़ा करके हमको काटेंगे मारेंगे। तब तक उसने देखा कि एक मिट्टी की नाद पड़ी हुई है, और धोबी लोग क्या करते हैं, कपड़ा धोने के बाद उसमें पानी भरकर नील घोलकर कपड़े में नील लगाते हैं। यह परंपरा पहले थी अपने यहाँ, आज भी है। और वह उसी नाद में जाकर बैठ गया, छिप गया। सिर्फ उसकी आंखें बाहर थी, और कुछ समय के लिए वो आंखें भी बंद करके पानी में डूब गया जिससे कुत्ते न देख पाए। और कुछ देर बाद बाहर देखा, कुत्ते चले गए थे। फिर वह कुछ देर वहाँ बैठा रहा। अब नील में बैठने का, नील के पानी में बैठने का परिणाम यह हुआ कि वह सियार पूरा नीले रंग का हो गया। सामान्य जो उनका भूरा रंग होता है वह पूरा नीले रंग का हो गया, और सियार जो हैं बड़े चालाक किस्म के होते हैं, जिन्हें सातिर चालाकी कह सकते हैं आप, छल वाली चालाकी। अब वह सुबह होते होते फिर जंगल पहुंच गया। अब जंगल पहुंचकर उसने देखा कि हमारी शरीर तो पूरी नीले रंग की हो गई है, तो वह कई जानवरों को बुलाया और कहा कि रात में हमको भगवान ने दर्शन दिया और हमारी पूरी शरीर नीली बना दिया, और भगवान ने यह भी कहा हुआ है कि अब तुम जंगल के राजा बनकर रहो, और जो जानवर तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे उन्हें भगवान दंड देंगे। तमाम जानवर इकट्ठा हो गए और उसे राजा मानकर उसे सम्मान मिलने लगा। तो उसने सबसे पहली राजाज्ञा यह निकाली कि जितने सियार हैं उनको जंगल से बाहर निकाल दो। इसके पीछे उसकी सोच यह थी, ये सियार रहेंगे तो कोई ना कोई हमको पहचान लेगा। तो सब जानवरों ने सियारों को बाहर निकाल दिया। अब इसका एक छत्रराज हो गया। कभी बंदर इसके पैर दबाते और कभी भालू इसकी चंपी करता, पैर दबाता। मोर जैसे वह कहता था वैसे नृत्य करता था। गिलहरी उसके लिए फल तोड़ कर लाती थी। सब जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे, और वह उसकी जो माँ थी वह पूरा
शाही बांध हो गई थी, उसमें उस किसी का आना जाना नहीं होता था और नीला सियार जो था वो एकदम राजा की तरफ उसमें रहता था। अब सभी जानवर उसकी आज्ञा मानते थे और सियारों को दूर भगा दिया था। लेकिन एक दिन हुआ क्या, जब वह खुद जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा, उनसे तरह तरह की जिद वाली बातें करता था, यह हलाओ वह हलाओ हमेशा परेशान करता था, जानवर भी उब गए। उसी में एक जानवर था कौवा। कौवा भी बहुत चालाक था, जैसे सियार चालाक होते उनसे चालाक कौवा होता है। तो कौवे ने कहा कि जरूर देखो, कोई न कोई बात तो है। वह एक सियार के पास गया और उससे कहा कि हमको तो लगता है अभी सियार ही है। तो उसने कहा कि है तो सियार, लेकिन हम लोगों को तो सब जंगल वाले जानवर बाहर खदेड़ दिए हैं, अब क्या किया जाए। उसने कहा एक काम करो, रात में तुम लोग धीरे धीरे चलो उसकी माँ के पास, और माँ के पास पहुँच करके तुम अपनी बोली में बोलो। और यही तय हुआ और सब सियार रात में उसकी माँ के पास आ गए और सियारों की जो बोली थी हुआ हुआ इस तरह से बोलने लगे। जब सब सियार बोलने लगे तो इसे भी जोश आ गया, यह भी हुआ हुआ बोलने लगा। और इसके इस तरह से बोलते ही कौवे ने तुरंत इशारा किया और सब जानवर इकट्ठा हो गए और सब ने कहा यह हो न हो यह सियार ही है। और सियार की पिटाई हुई, ऐसी पिटाई हुई कि सियार फिर जो था वह राजा बनना छोड़कर सब सियारों में शामिल हो गया। यह एक छोटी सी कहानी है, इसकी शिक्षा यह है कि मनुष्य को कभी झूठ का सहारा या किसी व्यक्ति को कभी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और अपने जात परिवार या अपने लोगों का कभी अपमान भी नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। अगले दो दिन बाद फिर दूसरी बाल कथा लेकर आऊँगा। जय श्री राम।